अपनी करियर पाथ को लेकर मोस्टली आज की जनरेशन ज्यादातर कंफ्यूज ही रहती है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब सही रहेगी या हमें प्राइवेट सेक्टर का रुख करना चाहिए या हमें अपने खुद के आइडिया पर काम करना चाहिए बिजनेस में अपने आप को आजमाने के लिए। कितनी बार तो बल्कि ऐसे मौके आते हैं जब हम तय कर चुके होते हैं फिर भी हम अपने डिसीजन पर डाउट करते हैं और फिर दोबारा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मैंने जो सोचा क्या वो सही रहेगा, कुछ गलत तो नहीं होगा। लेकिन आज जिस व्यक्ति की कहानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसका विजन बचपन से ही क्लियर था कि उसे किस पाथ को चूज करना है। यहाँ तक कि जब एक बार उनके स्कूल के टाइम उनकी क्लास के बच्चों से ये पूछा गया कि उन्हें क्या बनना है, तब सबने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा डॉक्टर, तो किसी ने कहा एस्ट्रोनॉट, तो किसी ने कहा क्रिकेटर। जब उनसे पूछा गया क्या तुम सचिन तेंदुलकर से भी अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो, तब उन सबने अपने हाथ नीचे कर लिए। लेकिन जब उस बच्चे से ये पूछा गया जिसकी कहानी हम जानेंगे कि तुम्हें क्या बनना है, तब उसने जवाब दिया सिंगर। उसे कहा गया क्या तुम किशोर कुमार से भी अच्छे सिंगर बन सकते हो, तो उसने कहा जी हाँ बिल्कुल। वह लड़का था दर्शन रावल। दर्शन के फादर शुरुआती दिनों में तो उनके कई बार मनाने के बाद भी नहीं माने कि उन्हें अपना करियर सिंगिंग में ही बनाना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे दर्शन का करियर आगे बढ़ता रहा उनके फादर को भी अपने बेटे पर विश्वास होना शुरू हुआ कि उन्हें इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। किन रास्तों से निकलकर वह आज इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं, जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। गुजरात के शहर अहमदाबाद में जन्मे 18 अक्टूबर 1994 को दर्शन रावल आज बॉलीवुड में जाने माने चेहरे हैं। दर्शन ने अपनी स्कूलिंग श्री स्वामी नारायण गुरुकुल स्कूल अहमदाबाद से पूरी करी। दर्शन के पिता राजेंद्र रावल जी पेशे से एक राइटर हैं एंड उनकी माता राजल रावल हाउसवाइफ। रावल के बचपन में घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि उन्हें भी बचपन में पोएम्स लिखना पसंद था। धीरे धीरे उन पोएम्स को कंपोज करते हुए उन्हें गाने का मन करता था। धीरे धीरे उन पोएम्स को गाने की आदत पड़ने के कारण उनका झुकाव सिंगिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए दर्शन ने अहमदाबाद के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन उनका मन सिर्फ सिंगिंग की तरफ ही आगे बढ़ने को कहता था। यहाँ तक कि रावल ने कॉलेज में पेपर्स भी लीक करे जिसके कारण उन्हें कॉलेज से सस्पेंड भी कर दिया गया, जिससे लेकर उनके फादर उनसे बहुत नाराज थे। उनसे पूछा गया बेटा ऐसा क्यों करा, आखिर क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तब दर्शन ने हर बार की तरह जवाब दिया पापा मुझे नहीं करनी इंजीनियरिंग, मुझे सिंगिंग में अपना करियर बनाना है। तब दर्शन के फादर का कहना था सिंगिंग बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है, आखिर कौन तुम्हें बॉलीवुड में चांस देगा। उन दिनों दर्शन अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर बॉलीवुड सॉन्ग के कवर अपलोड करते थे। दर्शन को सुनने वाले लोग तो थे जिसके कारण उन्हें इवेंट्स एंड शोज में भी बुलाया जाता था परफॉर्म करने के लिए। तब उनका कहना था पापा मैं इंडिपेंडेंटली काम तो कर ही रहा हूँ, अगर कुछ नहीं रहा तो इन सबको करते हुए मैं खुश तो रहूंगा। लेकिन उनके फादर नहीं माने। कई महीनों तक घर में टेंस्ड माहौल बना रहा। दर्शन ने इवेंट्स एंड शोज करके काफी पैसे जुटाए और अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं आपको यूएस घुमाऊंगा, वो भी अपने पैसों पर। यूएस जाने से ठीक 2-3 दिन पहले एक रियलिटी शो के लिए उन्हें फोन आया। तब दर्शन ने उनसे कहा कि मेरा रियलिटी शो में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब उन लोगों ने दर्शन से कहा एक बार फिर सोच लो, ये रियलिटी शो बाकी शोज की तरह नहीं है, यहाँ पर आप अपने खुद के बनाए हुए सॉन्ग्स को भी गा सकते हैं। तब उन्हें लगा कि ये कुछ डिफरेंट हो सकता है। तब दर्शन ने अपनी एक सैंपल वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें भेज दी और वह अपनी फैमिली के साथ यूएस चले गए।